कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। जीवन क्या है? कभी कभी हमारे मन में सवाल खड़ा हो जाता है। इतने लोगों को सुनते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, इतने तत्व चिंतकों को सुनते हैं, इतनी शास्त्रों की बातों को पढ़ते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते सुनते सुनते हमारे मन में भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, जीवन क्या है, व्हाट इज द लाइफ। एक शब्द का आंसर है ओनली रिफ्लेक्शन। जीवन और कुछ नहीं, प्रतिध्वनि है। बराबर समझ लेना। जीवन को समझना बहुत आसान है, बड़ी सरलता से हम समझ सकते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। जीवन और कुछ भी नहीं है, हम जो ध्वनि बहाते हैं उसी का प्रतिध्वनि होकर के हमको यह जीवन में वापस मिलता है। आप जो भी ध्वनि प्रसारित करते हो, आप जंगल में चले गए, पहाड़ों के बीच में चले गए, और वहां जाकर के आपने मुंह से जो आवाज निकाली वही आवाज रिपीट आपको मिलेगी। आप प्रेम की आवाज निकालोगे, आपको रिपीट वापस प्रेम के शब्द मिलेंगे। आप क्रोध के शब्द निकालोगे, आपको वापस क्रोध के शब्द मिलेंगे। जीवन में और कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना, समझ लेना। हमारे जो शब्द है, हमारा जो ध्वनि है, उसी का प्रतिध्वनि यह हमारा जीवन। आज के समय में देखा जाए तो ज्यादातर लोग दुखी है, क्यों? बड़ा समझने जैसा सवाल है। आज के समय में देखते हैं तो ज्यादातर लोग दुखी है, ज्यादातर लोग परेशान है। कोई कहां मंदिर जा रहा है, कोई संतों के पास जा रहा है कि कैसे भी करके हमारा दुख दूर हो जाए, हम दुख से बाहर निकल जाए, हमारी परेशानियां खत्म हो जाए। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते कि समझ लेना, तू दुनिया में भटक ले, लेकिन जब तक तेरे भीतर से वह क्रोध का ध्वनि निकल रहा है, जब तक तेरे भीतर से वह दूसरों को पीड़ा देने का ध्वनि निकल रहा है, जब तक तेरे भीतर से वह घृणा का ध्वनि निकल रहा है, जब तक तेरे भीतर से वह किसी को परेशान करने का ध्वनि निकल रहा है, जब तक तेरे भीतर से ईर्ष्या के शब्द निकल रहे हैं, जब तक तेरे भीतर से निंदा के शब्द निकल रहे हैं, तब तक तेरे जीवन में दुख ही रहना है और सुख नहीं आना। गुजराती में बहुत सरस मजानी पंक्ति छे, जेवू करो एवू भरो। बस यही जीवन की सबसे सरल व्याख्या है। कई व्याख्या कई शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखी गई, लेकिन सबसे सरलतम व्याख्या यदि जीवन की कोई है तो वह एक ही है, जैसा करो वैसा भरो। ये भूल जाना कि बीज आपने बबूल के बोए और वृक्ष आम का आए, यह नामुमकिन है, असंभव। बीज बबूल के बोए हैं तो पेड़ भी बबूल का ही आएगा, और बीज आम के बोए हैं तो पेड़ भी आम का ही आएगा। जो डालोगे वही निकल के वापिस आपके हाथ में आना है। इसलिए जब भी आपको यह प्रतीत हो मेरे जीवन में दुख जाता है, तो समझना आपके भीतर से जो ध्वनि निकल रहा है वो दुख का है। जो दूसरों को ज्यादा दुखी करता है वह जीवन भर दुखी रहता है, और जो दूसरों को सुख देने में लगा हुआ है वो जीवन भर सुखी रहता है। आपने किसी की हाय ली, आपने किसी की निंदा करी, आपने किसी को अपशब्द कहे, आपने किसी को हर्ट किया, आपने किसी को परेशान किया, तो समझ लेना आपके जीवन से दुख नहीं जाने वाला। चाहे कितने मंदिर चले जाओ, चाहे कितने साधु संतों के पास चले जाओ, लेकिन आपने जीवन में अनिति करी है, आपने जीवन में गलत किया है, और गलत करके आपने जीवन में पैसे कमाए हैं, गलत के बलबूते पर आपने संबंध बनाए हैं, तो समझ लेना ये संबंध भी आपके लिए दुखदायी बनेंगे, ये पैसे भी आपके लिए दुखदायी बनेंगे। इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जीवन की सरलतम व्याख्या एक ही है, जैसा करो वैसा भरो। परमात्मा महावीर की इतने घंटों की देशना, 45 आगम, हजारों शास्त्र ग्रंथ, हजारों धर्म ग्रंथ, सबका यदि सारांश निकाला जाए तो एक शब्द में सारे शास्त्रों का सारांश है, जैसा करो वैसा भरो। जीवन और कुछ भी नहीं है, आप प्रतिध्वनि है और कुछ नहीं है।
जो ध्वनि आपके भीतर से निकलता है वही प्रतिध्वनि होकर आपको सुनाई पड़ता है। आप संसार में दुख बांटते फिरोगे तो जीवन में समझ लेना आपके जीवन में दुख ही दुख रहना है। और यदि आपकी आदत हो गई संसार में सुख बांटने की तो आपको यह संसार में कोई नहीं दुखी कर सकता। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।